सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनील का नमस्कार। कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और जब अलगू कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ देते। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो ये मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, विद्या उसके भाग्य में थी ही नहीं तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इस खातिरदारी पर मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के अलावा कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देती। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, दो तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। कुछ दिन तक यूं रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो पाएगा, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खा पका लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ना समझा था कि तुम मौत से लड़के आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है। बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो, ऐसा कौन था जो उसका शत्रु बनने का साहस कर सके, किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात पर आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए। किसी ने तो
यों ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ अल्लाह का नाम लो, अब तुम्हें खेती बारी से क्या काम। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास सिरस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिल गया। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना, मुझे बुला के क्या करोगे, कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, पर अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। यूं आने को तो आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों बेटा, अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहो, ईमान की बात, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था, उन्होंने पान, इलायची, हुक्का, तमाकू सब का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुई सलाम से उनका स्वागत करते। सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहां भी पंचायत शुरू हो गई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। ये निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दम से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा था, गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, बंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो, अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है, मैं पंचों का हुक्म सर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बदते, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, वो बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, कैसी बात कहते हो, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बना देती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, लेकिन भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वो कन्नी काटते हुए बोले, खाला तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता,
पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए, रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन भर बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा है तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो भूलकर भी मैं इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे ये कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला करें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की तरह चोट कर रहा था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हो रहे थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया। अभी अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ ही खोदने पे तुला है। न मालूम कब की कसरें निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें नीत संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वो शत्रु जैसा व्यवहार करे, गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के अलावा क्या कह सकते हैं। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अक्सर लोग ऐसी कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड तो हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर कर रहे थे। वो कहते, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोस्ती दोस्ती की जगह लेकिन धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वो साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। सचमुच वो बालों की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। मिलते जुलते मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी ये चिंता रहती कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, लेकिन बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर बहुत जल्द मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाही जाते के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सबर भले ही कर जाए पर खुदा अनेक बात सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उन्होंने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, वक्तोक्ति, अन्योक्ति, उपमा आदि अलंकारों की बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझाया। वो उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम करके अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का, किसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर मिला नहीं। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डाला जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते
मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाएगी। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते। बैल देखा, गाड़ी में दुहाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह नहीं थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रगेदने। वो दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। चारे की फिक्र न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया कि फिर जोत दिए। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बाहली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ने चले जाते थे। वहां बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता, सहलाता। कहां वो सुख चैन, कहां ये 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वो पिस गया। इक्के का ये जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई, पर था वो पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन 4थी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़का चला और कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लो, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अदे उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठ पाया। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ के खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंसी, और कहीं मृतक भी उठता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर कैसे पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए। देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर ना आया, आसपास कोई गांव भी नहीं था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंच के मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने, कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 250-250 रुपए कमर में बंधे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रथ जगा करने की ठान ली, चिलम्पी गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में वो जागते ही रहे, पर पांव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न दारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दे दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा समझे हो क्या? हम भी बनिए के बच्चे, ऐसे बुद्धू नहीं। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोतो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर वो भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गरम पड़े, साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया, प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। सहुआइन ने घर में घुस कर किवाड़ बंद कर लिया। शोर सुनकर गाँव के भले मानस घर से निकले, परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने हामी भर ली। अब पंचायत की तैयारियां होने लगी, दोनों पक्षों में अपने अपने दल बनने शुरू हो गए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय, खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था
कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक ये प्रश्न हल ना हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में वो प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें वे सुरव्रत कहने का क्या अधिकार, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो राम धर्मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बत्ते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वो स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग रखते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वो उसे कुल कलंक समझते हैं, लेकिन थोड़ी ही समय में परिवार का बोझ सर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है, ये भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, लेकिन वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई, उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर से किसी पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित ही है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उन्हें फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बहुत कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, अगर वो रियायत करें तो उनकी भलमनसाहत। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। ये मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न कोई दुश्मन, न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता वहां पे। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच के जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर कार्यक्रम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो कहानियों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अगले रविवार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।